सो हे गाइज 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल इन यूट्यूब। गाइज देखिए यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ फिर से आपकी इंडियन नेवी डबल ए एंड SSR की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो क्या डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे, मतलब आपका DOB मैटर करता है सबसे बड़ा, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज बिना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। भाई टाइप कर लेते हैं सरकारी एग्ज़ाम पे आइए। वैसे मैंने ऑफिशियल पे जाके चेक किया तो वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने कहा चलो सरकारी एग्ज़ाम से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सरकारी एग्जाम पे हमने कर दिया यहाँ पे क्लिक। और गाइस जैसी भी वीडियो लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो भाई न्यू अपडेट्स में अपने को फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अपने को कर देना न्यू पे क्लिक। ठीक है, अभी तो रिजल्ट ही, अभी तो फेज सेकेंड ही चल रहा है ना, अभी पे रनिंग वगैरह। अभी आज शाम को मैं रिव्यू वाला एक वीडियो देने ही वाला था, बट उससे पहले मैंने बता दिया जाए कि मैंने सोचा कि बता देते हैं। भाई फीस वगैरह सब कुछ वही है जो पहले था। लास्ट डेट देखिए, जो आपके फॉर्म स्टार्टिंग है 8 नवंबर से, आई थिंक कि आज भाई 4 नवंबर है, और आपका फॉर्म वगैरह फिल 8 नवंबर से किए जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, आपको चार मतलब 3-4 दिन बाद फॉर्म फिर से शुरू हो जाएंगे, और 18 नवंबर मतलब जल्दी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 3 से 4 दिन। लास्ट डेट 18 नवंबर। एडमिट कार्ड का डेट अभी डिफाइन नहीं किया, वो तो पता है बिल्कुल जो कुछ होता है। बैच विल कमेंस August 2020 बैच के लिए है। एज सबसे बड़ा मैटर करता है। देखो एज क्या है यहाँ पे, 1 अगस्त 2000 से लेके, देखो मैं बता देता हूँ कितना, जो मैक्सिमम जिस जिसका एज हो रहा है 19 साल 3 महीने 3 दिन। मैंने बताया था नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, उस बेस पे यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 19 साल 3 महीने 3 दिन ये नोटिफिकेशन पे, और जो लास्ट है, सॉरी मतलब जो स्टार्टिंग है ये यहाँ से और लास्ट यहाँ से हो रहा है। 19 साल 3 महीने 3 दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं बेसिकली। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके चलते हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता होंगी। एजुकेशन हाइट वगैरह आपको, चेस्ट, फिजिकल, और भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन चल के डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गाइज, यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर हमको कर देना है क्लिक। तो कर दिया भाई क्लिक, चलो हो जाओ डाउनलोड फास्ट से, उसके बाद हो जाए अपने आप से ओपन। चलो ओपन हो गया, कुछ नया है ये भी देख लेते हैं। ओके सो गाइज काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले मिली, बट बैटरी कैप कंडीशन देख सकते हैं। अभी चार्जिंग पे लगा के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये देखिए बैच 2020 के लिए, अगस्त पे जिसका जिसका ज्वाइनिंग होता है उस बैच के लिए यहाँ पे है। 2020 पे वही क्वालिफिकेशन है आपका डबल ए SSR पे, 50% नीड है डबल ए के लिए, SSR के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। एज आप फिर से देख सकते हैं जो सबसे बड़ी मैटर करती है। पे ऑन अलाउंस आपके लिए अभी कोई ज़रूरी नहीं है, प्रमोशन ज़रूरी नहीं है, और कवर इंश्योरेंस वगैरह चाहिए नहीं आपको। डबल ए SSR का प्रोसेस आपको पता है, वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, 100 नंबर का पेपर, सारे का सारा वही प्रोसेस है। पेनाल्टी 0.25, फिजिकल बिल्कुल सेम है, मेडिकल स्टैंडर्ड सेम है, एंड टैटू ट्रेनिंग, इससे अपने को कुछ नहीं लेना देना। अभी आते हैं यहाँ पे, आज पहली बार मैं भी रिजल्ट यूएस इनटेक की रिजल्ट की बात कर लेता हूँ कब आएगा। तो रिजल्ट यहाँ पे देखिए, विच आर शेड्यूल एग्ज़ाम की जो डेट है गाइस 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, Feb 20। कॉल अप लेटर्स कम एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड प्लेस विच आर शेड्यूल ड्यूरिंग Feb 20। ओके मतलब Feb 20 तक आपका फैब पे ही डबल NSSR का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। ओके देन नीचे आ जाओ, थोड़ा सा लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड आफ्टर 30 डेज। बिल्कुल 30 डेज ही पे ही इस बार अनाउंस किया है। अभी तो सब कुछ याद है, अप्रॉक्सीमेटली 8000 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर PFT एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद रिव्यू दिया है, मेडिकल रिव्यू क्या होता है, थोड़ा सा नीचे आओ, छोड़ो मेडिकल के बारे में। हाउ टू अप्लाई ये भी मैटर नहीं करता, जो आपका फॉर्म है 8 नवंबर से आपका 18 नवंबर तक चलने वाला है, धड़ाधड़ फॉर्म अप्लाई कीजिए। कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप भेज दीजिए मुझसे, आज कीजिए, आई रिप्लाई यू गाइज। ओके एंड एक सबसे बड़ी बात, इंस्टा पे फॉलो कीजिए गाइज, मुझसे जुड़ना चाहते हो प्लीज़ इंस्टा पे फॉलो कीजिए। चौहान अंशु के नाम से मेरी ID है इस पे, यूट्यूब वगैरह पे तो कुछ नहीं प्रॉफिट, बहुत दिनों से लगा हुआ हूँ। अभी सोचा कि कुछ इंस्टा वगैरह पे नाम वगैरह बनाते हैं। सो प्लीज़ इंस्टा पे आइए, फॉलो कीजिए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे आके आप पर्सनली थोड़ी ज़्यादा देर बात कर लेंगे आपसे। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं। सो गाइज़ उन लोगों के लिए काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो उनके लिए तो भाई तगड़ी है ही, जिनका नहीं क्लियर हुआ उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। प्रिपरेशन अच्छे से चालू रखो, इस बार बिल्कुल बिल्कुल आर पार सब कुछ कर देना। इस बार बिल्कुल पहले से ही अभी से बिल्कुल तगड़े से तैयारी शुरू करो, क्योंकि एक सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है ये PHYSICS वाला फिजिक्स, यही सबको लेकर डूबता है। आज भाई मैंने देखा एयरफोर्स का जब रिजल्ट कैंडिडेट्स का, तो भाई वो बिल्कुल शौक था कि फिजिक्स पे ही गिर पड़े सभी के सभी, पता नहीं क्या पढ़ाई करते हैं। तो फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा कुछ फोकस करना है इस बार,
और इंग्लिश वगैरह सभी का अच्छा ही जाता है। एंड कुछ अच्छा से इस बार करते हैं, जैसा लगा हो वीडियो भाई बताना। ये इन्फॉर्मेशन थी, नोटिफिकेशन डाउन मतलब अगर खुद चाहिए डाउनलोड करने का दिक्कत ना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से जाके टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो जरूर आस्क करिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब लग लिए गाइज, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।